हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्त मिंटर। आप शौकीन हैं वेबसाइट्स बनाने के HTML एंड CSS की हेल्प से। आपको पता है HTML एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और उसको स्टाइलिश बनाने के लिए, उसमें को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो आज कुछ CSS में टेक्स्ट की एंड फॉन्ट की और मार्जिन की प्रॉपर्टीज आज हम सीखने वाले हैं। टेक्स्ट, फॉन्ट और मार्जिन की प्रॉपर्टीज सीखने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यस स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं कोडिंग। तो आप देख रहे हो कि हमने पहले से ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना रखा है वेबसाइट का। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है, उसके ऊपर H1 और पैराग्राफ टैग लगाया है मैंने। H1 में प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है और पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है एक पैराग्राफ सिंपली। तो इसकी हमने स्टाइलिंग करनी है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, तो मैंने सिंपली एक H1 लगाया और एक पैराग्राफ टैग लगाया। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता ही है, HTML एक रूट एलिमेंट है, और उसके बाद हेड टैग होता है, टाइटल होता है टाइटल देने के लिए, और कुछ स्टाइलिंग बॉडी ऑलरेडी की हुई है, तो यू कैन जस्ट लर्न इट लेटर ऑन। तो उसके बाद बॉडी और पैराग्राफ में दो अलग अलग टैग्स में इंफॉर्मेशन मेंशन की है। तो हम आज सीखने वाले हैं कुछ, जैसे कुछ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, कुछ टेक्स्ट के टूल्स सीखने वाले हैं। टेक्स्ट की CSS में कुछ टेक्स्ट की स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, और कुछ फॉन्ट की प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे, कुछ मार्जिन की प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। तो सारी डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने करना क्या, स्टाइल आपने शुरू करना हेड के अंदर, उसके अंदर क्लोज करना, और ये बॉडी मैंने ऑलरेडी बॉडी की स्टाइलिंग की हुई है। तो नेक्स्ट हम रेस्ट ऑफ द थिंग्स सीखेंगे। तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है, ये जो मैंने प्रोग्रामिंग H1 लिखा हुआ है, तो ये वाइट कलर में आ जाए। तो किसके लिए हमें H1 लिखना होता है, आपको पता ही है H1 लिखेंगे, H1 की स्टाइलिंग करनी है तो H1 लिखेंगे। ये सिलेक्टर है तो जिसकी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करनी होती है, और इसमें आपने मेंशन करना है सबसे पहले कलर। मैं चाहता हूं कि इसका हो जाए वाइट, तो वाइट कलर करना, और उसके बाद रिफ्रेश करोगे तो ये कलर वाइट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये टूल है बिल्कुल जो आपने H1 लिखा हुआ है सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट की, टेक्स्ट अलाइन की। टेक्स्ट अलाइन होता है बिल्कुल, आपने इसको लिखना सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे तो बिल्कुल आपका जो H1 है सेंटर में आ गया। हम मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा हो जाए, तो इसके लिए फॉन्ट की प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज। साइज लिखोगे आप, मानो मैं चाहता हूँ ये 50 पॉइंट हो जाए, तो 50 PT लिख सकते हैं आप, तो थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो है स्मॉल में, मैं चाहता हूँ कि पूरे का पूरा कैपिटलाइज हो जाए, पूरा सारा जो इसका वर्ड है ऑल कैरेक्टर्स कैपिटल में हो जाए। तो इसके लिए टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, हमने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है। टेक्स्ट एक एट्रीब्यूट है और इसकी प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म, उसको वैल्यू क्या देनी है हमने, मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू हो अपर केस, तो अपर केस की वैल्यू दोगे तो ये पूरा कैपिटल में हो जाएगा। सिमिलरली इसको वैल्यू लोअर केस दोगे आप, तो ये कम्प्लीटली लोअर में हो जाएगा। तो कोई भी वैल्यू आप जो भी वैल्यू दोगे, इस वैल्यू के स्पेलिंग जो है एग्जैक्टली सही होने जरूरी है, तो ये कैपिटल में आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट में जो मैंने प्रोग्रामिंग लिखा है ये सेंटर में भी आ गया, फॉन्ट टेक्स्ट लाइन के साथ ये सेंटर में आ गया, और हमने इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के साथ इसको मैंने कैपिटलाइज कर दिया। मैंने आप इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन के लिए होती है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो डेकोरेशन से मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन हो गया। अगर आप ओवरलाइन करोगे तो ओवरलाइन, तो आप देखोगे तो ओवरलाइन आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन ही होना चाहिए, तो अंडरलाइन देख सकते हैं। तो बच्चों ये टेस्ट डेकोरेशन होता है इसको अंडरलाइन करने के लिए, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो टेस्ट मैंने लिखा हुआ है इसमें थोड़ी बैकग्राउंड पे शेडो आए, किस कलर की आए और कितने कितने पिक्सल की बैकग्राउंड पे जो शेडो आनी चाहिए, मतलब लेफ्ट में बॉटम पे दो ही जो आपको शेडो दिखेगी लेफ्ट से बॉटम में गिरती हुई नजर आएगी, तो उसको कितने कितने पिक्सल तक आप शो करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसके लिए होता है टेस्ट शेडो, शेडो तो मैं चाहता हूँ कि शेडो 3 पिक्सल लेफ्ट पे हो और 3 पिक्सल ही आपकी बॉटम पे हो, और उसका जो कलर है वो रेड आए, तो आप देख सकते हो इसमें शेडो आ गई है। अगर आप शेडो की प्रॉपर्टी बढ़ा दोगे तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी पूरी शेडो नीचे आ गई है, क्योंकि ये बॉटम की शेडो है। बॉटम से अगर मैं 3 पिक्सल लेफ्ट में भी कर देता हूँ तो आप देखोगे तो ये लेफ्ट और राइट से शेडो नीचे चली गई है,
ज़्यादा हो गया 30 पिक्सल, और शेडो की पोजीशनिंग सेट की है हमने जो 300 पिक्सल, ये शेडो पड़ रही है रेड कलर की, जो नीचे आपको दिख रहा है ना ये प्रोग्रामिंग वाइट कलर का, ये इसकी शेडो है जो मैंने 300 3x300 पिक्सल 300 बॉटम और 300 लेफ्ट इसको जो मैंने वो दिया है पिक्सल्स में, इसकी लेफ्ट और बॉटम मार्जिन सेट किया है। ये 300 पिक्सल कुछ ज़्यादा है तो मैं इसको 3x3 पिक्सल कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्या कौन सा लेफ्ट और कौन सा बॉटम होता है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ी ब्लर आ जाए, तो ब्लर कितनी होनी चाहिए तो आगे आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, 5x ये ब्लर हो जाए तो थोड़ी ब्लर नज़र आ रही है, अगर आपको दिख नहीं रही है तो मैं दोबारा से 300x300 पिक्सल से आपको दोबारा दिखा देता हूँ, देख रही है ब्लर है, तो दोबारा से 30x30 पिक्सल ही आप इसको सेट कर देते हैं, ये इसकी मार्जिन सेट कर देते हैं आप ऐसे ज़्यादा 3x3 पिक्सल करना था हमने, तो आप देख रहे हो ये शेडो है। तो इसके बाद हमने स्टैनिंग करनी है पैराग्राफ टाइप की, तो इसके लिए पी लिखोगे, पी स्टार्ट करोगे और क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद आपने इसकी स्टैनिंग करनी है, इसका कलर मैं चाहता हूँ कि येलो हो जाए तो येलो करेंगे, तो अब मैं पैराग्राफ की स्टाइलिंग कर रहा हूँ तो इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाना है, इसके लिए फॉन्ट की प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज़ हमें चाहता हूँ इसका हो जाए 30 पिक्सल 30 पॉइंट 30 PT लिखोगे तो बढ़ जाए, और इसमें भी हम चाहते हैं कि इसका हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाए, हर एक वर्ड का, कंप्यूटर का सी कैपिटल हो जाए, प्रोग्रामिंग का पी कैपिटल हो जाए, इज का आई कैपिटल हो जाए। तो इसके लिए टेस्ट ट्रांसफॉर्म टूल ही होता है, जैसे आपको पता है टेस्ट ट्रांसफॉर्म हमने पहले भी किया H1 के लिए, और इसके लिए वैल्यू जो मैं देने जा रहा हूँ ध्यान दीजिए कैपिटलाइज, पहले हमने वैल्यू दी थी अपर केस, तो अब मैंने चेंज किया कैपिटलाइज कर दिया, आप देख रहे हो फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का कैपिटल हो गया, इसके लिए कैपिटलाइज वैल्यू होती है। तो उसके बाद मैं इसको भी शेडो देना चाहता हूँ, टेस्ट शेडो इसको भी हम रेडी देना चाहते हैं 3 पिक्सल बॉटम 3 पिक्सल लेफ्ट पे 3 पिक्सल बॉटम पे 3 पिक्सल ही हम इसकी ब्लर करना चाहते हैं, और इसको भी रेड कलर की शेडो देना चाहते हैं, तो ये शेडो सेट हो गया इसकी। अब करते हैं हम इंडेंटेशन, टेस्ट इंडेंट। टेस्ट इंडेंट क्या होता है कि आपकी जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो मार्जिन से कितनी शिफ्ट होती है लेफ्ट हैंड साइड। तो मान लो मैं यहाँ पे आपको 50 पिक्सल करके दिखाता हूँ, तो 50 पिक्सल से आप देख रहे हो जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की वो मार्जिन से 50 पिक्सल आगे शिफ्ट हो गया। थोड़ी और क्लियर करने के लिए 500 पिक्सल कर देता हूँ तो आपको और क्लियर हो गया। 500 पिक्सल है प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो फर्स्ट लाइन है 500 पिक्सल इंडेंट हो गई है मार्जिन से, तो ये इसे कहते हैं टेस्ट इंडेंट। तो ये मैं 5 पिक्सल की जगह 50 पिक्सल ही करना चाहता हूँ, तो आप सही है। तो अब होता है इसके बाद टेस्ट अलाइन। टेस्ट अलाइन आपने देखा अगर मैं सेंटर करता हूँ इसको तो बिल्कुल सेंटर में आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं वैल्यू सेंटर की जगह जस्टिफाई देना चाहता हूँ। जस्टिफाई आप जस्टिफाइड हो गए, बिल्कुल जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई से क्या है कि दोनों साइड्स हैं बिल्कुल इक्वल हो गई हैं, लेफ्ट पे भी राइट पे भी आप देखोगे कि कोई आपको जो लास्ट का वर्ड है लाइन का छोटा बड़ा नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल जो स्पेस जस्टिफाई हो गई है। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ मार्जिन की प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन आप मार्जिन से कितना लेफ्ट देना चाहते हैं, मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है लेफ्ट, लेफ्ट मार्जिन कितना देना चाहते हैं। मान लो मैं आपको 20 पिक्सल लेफ्ट मार्जिन देना चाहता हूँ पैराग्राफ को, तो लेफ्ट मार्जिन है जो 50% से शिफ्ट हो गया 20 पिक्सल। तो सिमिलरली मार्जिन राइट सेट कर देते हैं, तो इसको भी मैं 20 पिक्सल सेट करना चाहता हूँ, तो आप सेव करके देख सकते हो, तो राइट से भी 2 पिक्सल हुआ है तो इसको 20 पिक्सल कर देते हैं, राइट से भी है 20 पिक्सल राइट शिफ्ट हो गया। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गए होंगे कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ और कुछ फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़, जैसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, फॉन्ट साइज है, टेक्स्ट इंडेंट है, टेक्स्ट अलाइन है, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट। तो ये ऑल होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज प्रॉपर्टीज़। थैंक यू वेरी मच।